हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो? मस्त हो गए? बढ़िया हो गए? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और सो गाइस, आज ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आज हमारी कमल्स का ना बर्थडे है। कमलप्रीत बर्थडे गर्ल बासी बर्थडे, और झरना सापकोटा इसका तो बर्थडे भी नहीं है, और कमल वो हैप्पी बर्थडे बासी बर्थडे भी हो फिर भी और झरना प्लानिंग सब इसने किया, तो इसको पूछेंगे कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। बोल जल्दी बोल। मैं तो भूखी हूँ। वो भूखी है। नेपाली रेस्टोरेंट है। हाँ, नेपाली नेपाली से की है। सो नहीं की। तो देखो गाइस आज कैसे देख रही है ये तो सब। सो गाइस हमारा आ गए, मैं आगे बैठूंगा। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और पीछे देख रहे हो बर्थडे गर्ल बासी बर्थडे बोल सकते। और हम कोरमंगला जा रहे हैं, नेपाली रेस्टोरेंट से जा रहे हैं। नेपाली फूड ना खाया कितना, 4-5 महीने हो गए हमें नेपाली फूड गए, नेपाली रेस्टोरेंट गए थे हम, और 5 महीने के बाद अभी जा रहे हैं। सो झरना तो ना सुबह से भूखी है, क्योंकि अभी जाके उसके दबा के खाना है, इसलिए वो अभी तक भूखी है। उसका प्लान है कि अभी जाके दबा के खाऊंगा, इसलिए अभी तक वो भूखी है। हाफ एन आवर लगेगा, मैं भी 30 मिनट 40-45 ऐसे कुछ लगेगा। और ट्रैफिक है अभी, देखो अभी झूठ बोल रही है, बेइज्जत होगा सोच के बोल रही है खाया था। कितना झूठ बोलती है झरना, व्हाट झरना। और कमल तूने भी कुछ खाया था? भूखी है तू भी? मैंने तो सुबह खाया था। हाँ मैंने भी राइस खाया था, ज़्यादा मैंने खाया होगा, ठीक है। हाँ पता है, इतने से खाया भी। एक एप्पल खाई थी। हाँ एक एप्पल खाई थी बस, दिन भर से अभी तक एक एप्पल खाई थी। वो ना उसका ज़्यादा हो गया, वही जरा ज़्यादा हो गया ना एक एप्पल, तो एक एप्पल इसके लिए ज़्यादा है। आधा लेकर के आया। मैंने तो राइस खाया था, बस राइस खाया था मैंने। नहीं दाल के साथ राइस। और यार सब्जी क्या थी पता है? मूली की झोल। मूली क्या, वो रेडिश होता है ना, उसका ना पानी था बस। पीजी में क्या मिलेगा? और पीजी का खाना ना सबसे गंदा होता है बेंगलोर में, ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। पहुँच गए, लेकिन बहुत दूर था, मुझे तो बहुत दूर लगा। अभी पहुँचे मतलब मोर देन हाफ आवर, 45-51 आवर। और देखो गाइस हमारे सामने ही है। ड्रेस सब पूरा नेपाली है। Hey guys, फुल नेपाली ड्रेस, पूरा नेपाली वाला फील जानी दादा, पूरा सर्विस करने वाले लोग को देखो, फुल नेपाली ड्रेस अपने। किधर बैठना है? लेना फुल नेपाली वाला है। ओके जो सर्विस कर रहे हैं, सर्विसर जो है स्टुअर्ट, हाँ वो भी फुल नेपाली ड्रेस अप में है। नेपाली एट द सेंस ग्रूमिंग फेस्टिवल। ओके नेपाल के अंदर भी बहुत सारे ड्रेसअप होते हैं, जैसे कि इधर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन होते हैं ना, उस तरह भी कास्ट होते हैं, गुरुंग राय नेवार बोल के। और जो ड्रेसअप है जैसे गुरुंग या राय ऐसे कुछ का है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो और फील ऐसा आ रहा है कि नेपाल नेपलीज फूड तो नेपलीज ऑफकोर्स उधर ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। और जैसे लेकिन ड्रेसअप देख सकते हो, दीदी लोग का मस्त है, तो गुरुंग ड्रेसअप है। ओके और हम पूछेंगे, ये भी नेपाली जी होंगे ना जो सर्विस करे, वो भी नेपाली होंगे मे भी। और ड्रेसअप पूरा नेपाली गया है, और वो अभी रेस्टरूम गए हैं। ये काठमांडू का है, और सब मतलब ये जितने भी आते हैं सब काठमांडू के अंदर। ये स्वयं हुए बुद्धिस्ट बुद्धा का सबसे पुराना है, जब हमारा पिता भी नहीं होता उतना पुराना है। और वो लाख है, ये भी भक्तपुर, वो भक्तपुर में भी मस्त है। और इधर देख सकते हो और नेपाली ड्रेस। तो
अब मैं भी जूते निकालूंगा। ओके मेरे छोटे से क्यूट से जूते हैं। इतना अच्छा फील आ रहा है ना, लाइक अब क्या बोलूँ, मस्त लग रहा है। उधर के रेस्टोरेंट से तो बहुत अच्छा है ना, बड़ा भी है और अच्छा भी है, और नेपलीज वाला फील आ रहा है। ओके सो अब हम क्या क्या ऑर्डर करेंगे, क्या क्या खाएंगे। थाली तो मेरे लिए चाहिए, मटन थाली चाहिए, मटन। सो अब हम मंगाएंगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वही है बस। और गाइस जब ब्लॉग ना कुछ होने वाला ही नहीं है, हम खाएंगे आप देख लेना, बस खाना है तो आगे खा लेना। ओके अरे मत बोलना कि दिया नहीं, आके खा लियो। और वो देख रही है कि क्या ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करेंगे नो भुटुआ पे क्या रहा बूटी और हूँ जानी वो पेट की जो होते ना अंडरिया उसको फ्राई करके दिए होते हैं, वो नहीं चाहिए। कि सर ना छैंक पाऊँ सर छैंक बट मेन्यू में तो छैंग वो निगार वो दिया तो है ना सेट। उस टाइम भी नहीं मिला था, इस टाइम भी नहीं मिला। हाँ नेपाल चली जा। सो अभी हमारी झरना ऑर्डर ले रही है, हो गया ऑर्डर तेरा। गाइस हमारा ऑर्डर आएगा अब कितने मिनट में आएगा पता नहीं, तब तक बैकग्राउंड में जो बज रहा है ना म्यूजिक मस्त मजे ले रहे हैं, हम बैठ के खाने के लिए रेडी। कब आएगा पता नहीं। झोलाल झोलाल बताए यहाँ टेस्ट कैसा लगा। कैसा है? बहुत अच्छा है। अब हम झरना को पूछेंगे आउट ऑफ दी वर्ल्ड, कितना मस्त है ना। सो मैं बोल के आप समझ नहीं पाएंगे, आके आपको खाना पड़ेगा कैसा है कैसे नहीं बोल के। तो अभी हमने मोमो खा लिया, देखो दो चुड़ैल्स खा रहे हैं। बहुत दिन के बाद खा रहे हैं, अच्छा है। बहुत टेस्टी है। कैसा लगा कमल? अच्छा है ना, ना बहुत टेस्टी है। क्या बोलूँ मैं, आई कांट एक्सप्लेन, मैं वीडियो में टेस्ट बता नहीं सकता कि कैसा है, आके खुद ट्राई कीजिए। मूवी में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है था। तेरा फेवरेट है ना? अच्छा है अभी। हाँ झोल मोमो मुझे सबसे अच्छा लगा ना। बोलूँ ना इतना अच्छा ना, मुझे घर का याद आ गया यार, आके खुद ट्राई कर सकते हो। मैं खा रहा हूँ, टेस्ट फील नहीं कर सकते आप लोग, इतना अच्छा है। झरना रोने जैसे होगी, फुल पेट हो गया, अभी मैं सोया हूँ। देखो ये दोनों तो खा भी नहीं पा रहे हैं, दूसरी को दिखाता हूँ देखो कैसे खा रहे हैं, मुख बना बना के खा रहे हैं। उसको खाने का मन है क्योंकि टेस्ट अच्छा है, बट ना वो पेट नहीं मान रहा है। मन बोल रहा है कि खाओ और खाओ और खाओ, पेट बोल रहा है बस कितना खाएगी, जगह नहीं है।
सो वो दो दार में मतलब खाऊं या ना खाऊं, फेंकूँ तो कैसे फेंकूँ, इतना अच्छा है टेस्ट। तो मैंने तो खा लिया जैसे तैसे करके, लेकिन अभी मेरा वाट लग गया, बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा। लगभग मुझे 10-12 मिनट रेस्ट करना पड़ेगा, हाँ नहीं तो चल नहीं पाऊँगा यार। इसका मुँह देखो कैसे बना के खा रही है। खाने को अच्छी तरीके से खाना चाहिए ना। सो गाइस जब हम घर जा रहे हैं, बहुत पेट भर गया, घर जाके मुझे बस सोना है, आई वांट टू स्लीप। सो गाइस हमारा हो गया, अभी हम अब डायरेक्ट घर जाने वाले हैं, अभी तक चल के जा रहे हैं। देखो ये बहुत गंदी है, मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दी, बहुत गंदी, उसने भी दी मुझे गाली, बहुत गंदी वाली गाली। तो जो मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करने लगूँ ना, आप लोग का कान फट जाएगा, इतनी गंदी गाली दी। और ये भी नेपाली गाली देनी सीख गए आजकल, और सिखाने वाली ये चूड़े कॉलेज में भी गाली देती है। सो अभी हम थक गए, अभी हम घर जाएंगे, थोड़ा वॉक कर रहे हैं, जो खाया ना वो तो पचना चाहिए ना। बेचारी बहना लोग को इस बार भी छैंग नहीं मिला, देखो फिर गाली दिया, सुनाई दिया होगा ना ब्लॉग में, उसका मतलब क्या होता है पता है? अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने लग गया ना तो क्या बोलूँ यार, खुद बोल सकती उसका मीनिंग क्या, तुझे पता है ना क्या है उसका मीनिंग? हाँ मुझे पता, इसका मतलब है माठा हंसना। छी इतना गंदा गाली दे दिए यार, नेपाली लोग जो नेपाली वाले हैं ना वो समझ जाएंगे क्या बोल रही है ये, जो हिंदी वाले हैं ना उन लोग को ना अगर ट्रांसलेट कर दिया ना, छी यार कितनी गंदी है। और इसने जो नेपाली गाली, बट सी इज नॉट अ नेपलीज ओके, बट वो नेपाली गाली दे रही है, सिखाने वाली वो है उसकी टीचर। अच्छे दोस्त को यार कुछ अच्छे सिखाओ यार, इन्हें गंदी उड़ सिखा रही है, देखो सिखाने वाली यही है, कुछ अच्छा सिखा रहा नेपाली में, क्या बोलूँ यार, इतने क्या है दुनिया क्या हो गया है देखो। और इसका बना है लाइक डेली है, वो ओढ़ निकाल के ही मुझे बोलाती है गंदी बच्ची। अभी हम लाइक हम घर आ चुके हैं, घर मतलब सब आप अपने पीजी आ चुके हैं, लाइक झरना अभी मैं झरना का पीजी पर हूँ, और कमल जो थी वो भी चली गई अपनी पीजी, वो बस में चली गई। अभी देखो मैक्स में भी है इधर, वो झरना का कुत्ता, ऑटो का वेट कर रहा हूँ, मुझे पीजी में जाना है। सो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, आई होप कि ब्लॉग पसंद आया होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।